दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये क्या है, सीतामढ़ी जंक्शन है। दोस्तों देख सकते हैं कि हम अब रेडी हो गए हैं दोस्तों, अब हम जाएंगे दरभंगा। तो भी दोस्तों अगर सफर करते हैं तो पूरा कागजात पानी जो भी है दोस्तों अपना पूरी। दोस्तों हम अभी बासुश्री चौक के आसपास देख सकते हैं यहाँ पे, और बासुश्री चौक से हम जा रहे हैं। दोनों साइड से काफ़ी दुकान है दोस्तों आपको दिखेगा, और वहाँ से बस 500 मीटर और गंगा कॉलेज दोस्तों बगल में था आप देख सकते हैं। और यहाँ और हम साइकिल से इसलिए जा रहे हैं दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि हम मेरे रूम से दरभंगा जो जंक्शन है दोस्तों सीतामढ़ी जंक्शन वो काफ़ी दूर है दोस्तों। और दोस्तों हम स्टेशन पे आप पहुँचने वाले हैं दोस्तों, एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल लगा दी है बगल में वहाँ पे, और साइकिल लगाने के बाद दोस्तों आपको मैं पूरा जंक्शन का दिखाता हूँ रिव्यू, और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दोस्तों सारा हम इस वीडियो में जानेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों। तो यहाँ पे टिकट यहाँ पर मिलता है दोस्तों, यहाँ पे टिकट ले लें। अगर ट्रेन से दोस्तों सफ़र करते हैं तो टिकट हमें अनिवार्य दोस्तों ले लीजिए। अगर दोस्तों चलिए आगे अब दिखाते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पार्किंग है, और यहाँ पे आप गाड़ी से आते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं गाड़ी, वहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। गाड़ी का चार्ज यहाँ पे गाड़ी का चार्ज 20 रुपये दोस्तों, वहाँ पर हम साइकिल लगाए हैं तो हमसे 10 रुपये लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है चाबी दोस्तों, और यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये, और ये सीतामढ़ी जंक्शन का मेन द्वार है दोस्तों देख सकते हैं, और इसका कितना बड़ा कैंपस है देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा सीतामढ़ी का ये कैंपस है। और बगल में जस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानकी माता का जो जन्म हुआ है सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है, और ये पूरा क्या सीतामढ़ी जंक्शन का कैंपस है। आगे पार्क सीतामढ़ी जंक्शन का जानते हैं तो यहाँ पर पूछ पाछ दोस्तों यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेन कब आएगी कब नहीं आएगी, वो सारा यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। और ये पहले यहाँ पे डिजिटल नहीं था, अब डिजिटल हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है कि डेम्यू स्पेशल सवारी 6:45 में ए पे आ रही है देख सकते हैं सारा लिखा हुआ है, और ये सारा देख सकते हैं। और आपको हम जंक्शन का रिव्यू कराते हैं दोस्तों, बने रहिए। पीछे देख सकते हैं कि हम सीतामढ़ी जंक्शन पर आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे है, और ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा है जंक्शन, और आएगा भी देख सकते हैं कि ये सीतामढ़ी जंक्शन है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, और ये सीतामढ़ी जंक्शन है दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा जंक्शन। हम लोग दरभंगा जाने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रेन कि ये क्या ट्रेन आ गई है जो सीतामढ़ी चल के दरभंगा जाएगी, और ट्रेन यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि अभी हम ट्रेन के अंदर में हैं और देख सकते हैं यहाँ पर, और ये पूरा ट्रेन अभी खाली है दोस्तों। अब दोस्तों देख सकते हैं कि अभी हम भीसा होल्ड पे आ चुके हैं देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये है भीसा होल्ड तो दोस्तों सीतामढ़ी का यहाँ पे ट्रेन। तो एक बात बता दूँ दोस्तों कि अगर आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कृपया यहाँ पे नहीं बैठे, अगर यहाँ पे बैठेगा दोस्तों तो कभी भी जान जा सकती है, दुर्घटना घट सकती है, और यहाँ पर कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दोस्तों खिड़की पर बैठ जाते हैं जो अच्छी बात नहीं है, देखिए दोस्तों आप आराम से सीट पर बैठिए और सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आगे मैं दिखाऊंगा ट्रेन का पूरा रिव्यू, आप देख सकते हैं कि अभी हम क्या है इंडियन रेलवे जो पूरा इंडिया का रेल है दोस्तों उसमें बैठे हुए हैं दोस्तों, और हम सीतामढ़ी जंक्शन से दरभंगा की तरफ जा रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे, और सभी लोग बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप लोग को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि खिड़की पर कभी नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर खड़ा भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि भाई यहाँ पर खड़ा है दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कभी भी आपकी जान जा सकती है, दुर्घटना घट सकती है दोस्तों, और ये थोड़ा सा गलती के वजह से आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, भाई यहाँ पर देखिए इधर, आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ के नागरिक जो होते हैं दोस्तों कैसे सफ़र करते हैं ट्रेन में, आप लोगों को मैं दिखाऊँगा दोस्तों, आप लोग बैठ रहे इस ब्लॉग में, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ पर हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं और सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हम अभी परसौनी में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, और परसौनी स्टेशन पे है, और ये काफ़ी मतलब है छोटा भी नहीं उतना है, स्टेशन बड़ा ही सा ही देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ के नागरिक इसी प्रकार क्या करते हैं यहाँ पे ट्रैवल करते हैं दोस्तों। ये इंडियन ट्रेल है दोस्तों, और इंडियन मज़ा ही कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनली हम दरभंगा जंक्शन पे आ चुके हैं दोस्तों, और दरभंगा जंक्शन का रिव्यू कराएंगे आपको देख सकते हैं, और ट्रेन यहाँ पे रुके हैं सभी यहाँ पे, अब सभी यहाँ पे खाली हो गए दोस्तों ट्रेन, और यहाँ से हम अपने कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद दोस्तों अपना स्कूल का रिव्यू कराएँगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाएँगे, बने रहिए इस ब्लॉग में, और इस जंक्शन का रिव्यू भी कराएँगे दोस्तों आपको, जंक्शन पर दोस्तों लिफ्ट है वो दिखाएँगे आपको, और सारा कुछ दिखाने का काम करेंगे हम इस ब्लॉग में, तो आप लोग बैठ रहिएगा इस ब्लॉग में दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं कि हम जंक्शन पे हैं और जा रहे हैं अब आगे की तरफ, तो बैठ रहिएगा इस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है दोस्तों यहाँ पे, और ये दरभंगा जंक्शन का है दोस्तों, ये ट्रेन जो देख रहे हैं दोस्तों सीतामढ़ी से अभी
दरभंगा जंक्शन पर रुकी हुई है दोस्तों, और यहाँ पे इतना सारा भीड़ है, और आए भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सारा रिव्यू आप लोगों को दरभंगा जंक्शन का। तो आप लोग बैठ रहे इस ब्लॉग में, आप लोग देख रहे हैं कि भाई सब है, आप लोग को बनाते हैं। देखते हैं कि ये दरभंगा जंक्शन का लिफ्ट है, और देख सकते कितना अच्छा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हम जा रहे हैं लिफ्ट के माध्यम से, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं कि अभी हम लिफ्ट पे हैं दोस्तों, देख सकते हैं दरभंगा जंक्शन का लिफ्ट है, और भाई क्या बोल रहे हैं देख सकते हैं ये दोस्तों, और ये दरभंगा जंक्शन का लिफ्ट है देख सकते हैं यहाँ पे, और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, और ये बगल में क्या है नीचे की तरफ जाने वाला है देख सकते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ जा रहे हैं दोस्तों। आप लिफ्ट चढ़ते तो हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, आराम से वहाँ तरते समय क्या कीजिएगा, आराम से आप यहाँ पर जाइए हैं तो आराम से यहाँ पे ऐसे कूद सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये हम आ गए ऊपर, और यहाँ से जाते हैं नीचे की तरफ, आप लोग बैठ इस ब्लॉग में दोस्तों, आप सभी को मैं दिखाऊंगा सारा कुछ आपको ब्लॉग में, आप लोग बैठ रहिए ब्लॉग में दोस्तों। ये 9:26 दिखा रहा है दोस्तों, ये कैमरा में हाल ही घूम रहा है ना, लेकिन रियल लाइफ में दिखे दोस्तों तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये आराम से दिखता है। बता दूं कि मैं अभी दरभंगा जंक्शन के बाहर दोस्तों, बाहरी कैंपस में हूँ, और पीछे आप देख सकते हैं कि पूछे दरभंगा जंक्शन है दोस्तों, और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के टिकट घर कहाँ पर है। तो आपको बता दूँ दोस्तों कि दरभंगा जंक्शन का टिकट घर जो है दोस्तों, जस्ट यहाँ सामने में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे यहाँ पार्किंग दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी का पार्किंग है, और पीछे बहुत बड़ा एरिया है, और इसका जो दोस्तों बनावट बहुत ही अच्छा दोस्तों, कलर जो है इसका वो बहुत काफ़ी अच्छा है, और मैं आगे भी दिखाता हूँ दोस्तों, और आगे की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, आप लोग बैठ रहे इस ब्लॉग में दोस्तों। हमको भूख लग गया है दोस्तों, और इसके बाद जाता हूँ नाश्ता करेंगे, और उसके बाद आएगा ब्लॉग बनाएंगे दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए।